गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में जो आपका जीन प्रकटन या नियमन के तहत बात बताई जा रही थी उस क्रम में ट्रांसलेशन को बताया जा रहा था। ट्रांसलेशन कहने का अर्थ है अनुवादन। इसमें आप कहते हैं एम आर एन ए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है या अनुवादन कहलाता है। इस बात में कुछ चरण, जो आपका पहला चरण था जिसमें मैंने अमीनो अम्लों का सक्रिय कारण बताया था उस चरण को, और राइबोसोम का योगदान दूसरे चरण के रूप में मैंने बताया था। आज मैं तीसरे चरण के रूप में यह बताऊंगा कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण का प्रारंभन कैसे होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ रीडिंग के तौर पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमारे प्रोटीन श्रृंखला निर्माण का प्रारंभन अर्थात प्रारंभन। इस बात को आप इसमें लिखेंगे या समझेंगे किस तरीके से क्या होता है। तो बेटा आपका जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वह प्रोटीन की श्रृंखला कहलाती है, क्योंकि एमिनो अम्लों के मध्य में पेप्टाइड बांध बनता है और उस पेप्टाइड बंध से आपस में कई पेप्टाइड बंधों के बनने से पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इसमें आप यह जानिए कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमेशा जो प्रारंभ होता है एक मेथियोनीन अमीनो अम्ल से प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभ का सबसे पहला अमीनो अम्ल क्या होगा, मेथियोनीन। याद रखिएगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ जिस अमीनो अम्ल से होता है उस अमीनो अम्ल को मेथियोनीन कहा जाता है। इसका कूट जो होता है एयूजी होता है, इसका यह कूट जो है एयूजी है। इस यह कूट कहाँ होगा, एम आर एन ए पे होगा, और इसके लिए जो यह कूट हो गया आपका, और इसके लिए टी आर एन ए पर जो प्रतिकूट होगा, जो टी आर एन ए पे प्रतिकूट होगा वह एक स्थान पे यू होगा, यू के स्थान पे ए होगा और जी के स्थान पे सी होगा, अर्थात ए के स्थान पे यू, यू के स्थान पे ए और सी, यू ए सी, इसका क्या होगा प्रतिकूट होता है। तो आपने अभी यही पढ़ा या जाना कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनने के लिए पहला जो एमिनो एसिड काम करता है वह मेथियोनीन होता है, यह पहला अमीनो अम्ल होगा, और जो कूट इसके लिए काम करता है एम आर एन ए पर वह क्या होगा एयूजी होगा, अर्थात एडनीन, यूरेसिल और ग्वानिन होगा, और टी आर एन ए पर इसके लिए जो प्रतिकूट होगा वह यूएसी होगा। और राइबोसोम पर दो स्थल होते हैं, एक पी साइट तथा ए स्थल। आपका राइबोसोम पर दो स्थल है, एक पी स्थल आप पाएंगे और दूसरा स्थल क्या होगा ए स्थल। तो ये राइबोसोम के दो स्थल हैं कि पी स्थल और ए स्थल। पहला एम आर एन ए का कूट पी स्थल पर आता है, जो पहला एम आर एन ए का कूट होगा राइबोसोम पे वो किससे आएगा, पी स्थल पे आएगा, और मेथिलाइल टी आर एन ए का निर्माण होगा।
और इस तरीके से जब ये इससे मेथिलीन बनेगा, तो जब पहला आपका एम आर एन ए का कूट जो है वह टी स्थल पे आएगा, तो जो मेथियोनाइल टी आर एन ए जिस पर प्रतिकूट यूएसी है, यूएसी इसका प्रतिकूट है, आकर के एम आर एन ए पर प्रथम कूट एजू के साथ में जुड़ जाता है। तो यह आपका एयूजी जो है एम आर एन ए पे प्रथम कूट के रूप में है, और मेथिनाइल टी आर एन ए, मेथिलाइन टी आर एन ए मतलब मेथिनीन के मेथियोनीन एमिनो अम्ल के साथ टी आर एन ए आकर के इस पे क्या करता है, जुड़ता है, और इस प्रक्रिया में जीटीपी का प्रारंभ, इस प्रक्रिया में आपका जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा प्रारंभक कारक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जैसे आप इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3 कहते हैं या आवश्यक होते हैं, तो आपका कुछ इनिशिएशन फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर है जिसे आप IF1, IF2, IF3 के नाम से जानते हैं, इन चीजों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होता है। यह बात निश्चित तरीके से आपको समझ में आई होगी कि यह एम आर एन ए का कूट है या टी आर एन ए का प्रतिकूट है जो कि यूएससी कहलाएगा। पी स्थल और ए स्थल आता है मेथिनाइल टी आर एन ए आकर के पी स्थल से पहले लगता है, जिसमें जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2, IF3 ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आपका चौथा जो हेडिंग होगा वह होगा कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना तथा लंबा होना। यह तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन का काम था। अब आप कहेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना तथा लंबा होना, नेक्स्ट हेडिंग के तौर पे आप लिखेंगे चौथे नंबर पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना व लंबा होना। चलिए इस बात को आप सुनिए। तो पहला जो एमिनो एसिड लगा वो क्या लगा, मेथिनियन लगा, जिसके लिए कूट क्या था, एयूजी था, और वही उसका प्रतिकूट क्या था, यूएसी था। अब किस तरीके से उस मेथियोनिन में अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, इस बात को आपको बताया जाएगा। एक एमिनो एसिड में दो समूह होता है, एक उसका NH2 समूह होता है और एक उसका COOH का समूह होता है। तो यह आपका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें दो समूह है, एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये अमीनो समूह है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है। अब जो आपका यह अमीनो ग्रुप है, यह जो है इसका यह भाव सी डबल, जैसे मान लीजिए मेथिनिन है तो मेथिनिन का सी डबल ओ एच वाला भाव आगे अमीनो एसिड के NH2 भाग से क्या करेगा, जुड़ेगा। अर्थात एक का COOH और दूसरे का NH2 अमीनो एसिड का भाग एक दूसरे से जुड़ता है। तो आप कहेंगे कि अब उसका COOH भाग क्या रहेगा, स्वतंत्र रहता है। तो आप इसमें यह कह सकते हैं कि एक बंद एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के बीच होता है, कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह के बीच होता है। श्रृंखला प्रारंभ करने वाले मेथिनिन, जो श्रृंखला प्रारंभ किया वो कौन सा एसिड था, मेथिनिन का COOH। अगले अमीनो एसिड के NH2
से क्या करता है, बध जाता है। और इस तरीके से अगला फिर टी डबल ओ एस इस तरीके से खाली जाएगा, इससे दूसरे का क्या जुड़ जाएगा, एनएच टू समूह जुड़ जाएगा, और इस तरीके से जुड़ जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो आप यहां पे इसी प्रकार से एमआरएनए पे अलग अलग कूट देखते चलेंगे, तो उस कूट पे अलग अलग प्रतिकूट वाले टीआरएनए नए नए अमीनो एसिड को लाते रहेंगे, और इस तरीके से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता रहेगा। और पेप्टाइड बंध का यह निर्माण जो है एक इंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इंजाइम के नाम से जाना जाता है, जिस इंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और इस तरीके से यह जो पी स्थल से खिसक करके अब कहां चला आता है, ए स्थल पर। आप देखेंगे कि इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता रहता है, और ए स्थल से एमआरएनए के अणु पी स्थल की ओर खिसकने का खिसकता रहता है। इसी चीज को आप क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, कि ए स्थल से एमआरएनए अणु के पी स्थल पर खिसकने को स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। अब अगली हेडिंग के तौर पे आपको बताया जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। इस तरीके से लंबे होने का क्रम हुआ, तो एक समय आएगा समापन भी होगा, तो अगली हेडिंग के रूप में आप लिखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। यहां पे किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बंद हो जाती है इस बात को बताया जाएगा। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूरी बन जाती है तो एमआरएनए पर ऐसा कूट आता है जिसके लिए टीआरएनए पर कोई प्रतिकूट ही उपस्थित न हो, और इस तरीके से ऐसे कूट को क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कूट के नाम से जाना जाता है। आपका यूएए एक कूट, उसके साथ साथ यूएजी यूएजी दूसरा कूट है, और तीसरा कूट जो है यूजीए यूजीए ये तीसरा कूट है। इन तीनों कूटों की उपस्थिति अगर यह एमआरएनए को हो जाती है तो फिर इनके लिए किसी टीआरएनए के साथ में कोई भी आपका अमीनो एसिड नहीं जुड़ सकता है, और इस तरीके से इनके आने के बाद वही क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो यह चीज आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं, और इस प्रकार जो है इसका बचा हुआ शेष भाग मैं अगली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।